वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान पीएम लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर एक अद्वितीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया गया है। बता दें कि बुद्ध की जन्मस्थली के विकास का मास्टर प्लान करीब पूरा हो चुका है। इसे प्रसिद्ध जापानी वास्तुकार प्रोग्राम केंजो तांगे ने तैयार किया है। प्रोफेसर केंजो तांगे ने तैयार किया है। इस मास्टर प्लान को तैयार करने में 6 साल लगे, लेकिन निराशा की बात यह रही कि इसे 15 साल के भीतर 2 फेज में लागू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार की लापरवाही के इस पर काम न हो सका। हालांकि मोदी के विजिट के बाद इसमें फिर से जान आ गई है, यानी जैसे ही इस मास्टर प्लान पर काम पूरा हो जाएगा, तय मानिए लुम्बिनी नेपाल के उन कुछ स्थानों में से एक होगा जो दुनिया भर में चर्चित हो उठेगा। इस बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र को बनाने में भारत 1 अरब रुपए खर्च कर रहा है। लुम्बिनी के मास्टर प्लान पर नेपाल न्यूज वेबसाइट ने एक विस्तार से न्यूज पब्लिश की है। इसमें लिखा गया है कि बौद्ध धर्म के एक शोधकर्ता बसंत महाराजन मानते हैं कि लुम्बिनी की ओ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे करीब 20 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत निश्चय ही लुम्बिनी के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि अगर लुम्बिनी मास्टर प्लान पर समय सीमा में काम पूरा हो जाता है तो क्षेत्र में पर्यटन कई गुना बढ़ जाता है हालांकि देर हो चुकी है, फिर भी यह पूरा होने के चरण में है और यह एक सुखद विकास भी है। भारत के दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक होने के बावजूद बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को लेकर अभी तक कोई प्लानिंग नहीं थी। थाईलैंड, कनाडा, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रिया, चीन, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों का प्रतिनिधित्व मठ क्षेत्र के प्रोजेक्ट सेंटर द्वारा किया जाता है। लुम्बिनी के मास्टर प्लान का मामला पीएम मोदी की सरकार ने नेपाल के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाया था। इसके बाद दोनों सरकारों के सकारात्मक प्रयासों के चलते नवंबर 2021 में लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने एक परियोजना बनाने के लिए आईबीसी को एक प्लॉट 80 मीटर से आईबीसी को एक प्लॉट आवंटित किया। इसके बाद मार्च 2022 में आईबीसी और एलडीटी के बीच विस्तृत समझौता किया गया, जिसके बाद भूमि औपचारिक रूप से आईबीसी को पट्टे पर दी गई। यह केंद्र साथ बाहरी लेयर के साथ एक अद्वितीय डिजाइन होगा। यह बुद्ध द्वारा उनके जन्म के तुरंत बाद उठाए गए 7 कदमों का सिंबल है। इसमें प्रार्थना कक्ष, ध्यान कक्ष, पुस्तकालय, सभागार, बैठक कक्ष, कैफेटेरिया और भिक्षुओं के लिए भी आवास होंगे। कुल मिलाकर यह केंद्र भारत की बौद्ध विरासत और तकनीकी कौशल दोनों का प्रदर्शन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।